हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय फिजिक्स क्लास। और क्लास टेंथ की फिजिक्स में आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, दैट इज द डिफेक्ट ऑफ द आई। अपने पिछले लेक्चर में डिफेक्ट मैंने तीन तरीके के बताए थे आपको, दैट वाज द मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेस बायोपिया। आज हम ए दोनों को, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया को, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया का मतलब सिंपल सा है, इट इज द डिफेक्ट ऑफ आई इन विच अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस फार फ्रॉम आवर आई। जो हमारी आंखों से बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनको हम क्लियरली नहीं देख पाते, जबकि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तो मायोपिया इज द डिफेक्ट जिसमें हम दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख सकते, जबकि पास रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख सकते हैं। जैसे मायोपिया में दूर कोई आ रहा है रोड पे, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, ठीक है ना? ठीक है, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मून को देखते बहुत स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देता है, दूर है, जबकि बुक रीडिंग आप अच्छे से करोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्या होता क्या है मायोपिया में, क्या होता है? कहते हैं मायोपिया में जो ऑब्जेक्ट का, वैसे आपको मालूम है आई का फंक्शन में बताई थी ना, चाहे पास में हो चाहे दूर हो ऑब्जेक्ट, एकोमोडेशन पावर आई की होती है, लेंस फ्लेक्सिबल होता है जिससे वो इमेज को रेटिना पे फोकस करता है। ठीक है, लेकिन मायोपिया क्या है? मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार फ्रॉम आवर आई एंड देयरफॉर लार्ज डिस्टेंस से आने वाली ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनने के बजाय उससे पहले बन गई। ठीक है, अगर ये यहां बनती इमेज, ये लाइन यहां पर मिलती, तब तो ठीक था, तब तो बिल्कुल सही दिखाई देता, लेकिन ये यहां मिलने रही है, पहले ही मिल जा रही है, जस्ट बिफोर। और इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि इमेज इज फॉर्म जस्ट बिफोर द रेटिना इन द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया, राइट? तो अब क्या हो, इसका मतलब फार पॉइंट जो इनफाइनाइट, हमने बताया था नियर पॉइंट क्या है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट क्या है इन्फिनिटी। तो अब इनफाइनाइट से आने वाली लाइट जो कि पैरेलल आती है वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जा रही है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इमेज यहां बननी है तो फार पॉइंट क्या होना चाहिए? जस्ट बिफोर द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से पहले हो जाना चाहिए, फार पॉइंट शुड बी बिफोर द इन्फिनिटी। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए लाइट ये जाएगी और यहां पर फोकस होगी, तो ये तो यहां बनेगी, लेकिन होता ऐसा नहीं होता, ये तब होगा जब डिफेक्ट होगा तो फार पॉइंट थोड़ा सा पहले हो जाएगा, राइट? तो डिफेक्ट समझ में आ गया कि लार्ज डिस्टेंस से आने वाली लाइट रे रेटिना पे फोकस होने के बजाय उससे थोड़ा पहले फोकस हो जाती है, तो इमेज रेटिना पे बनती नहीं है तो हमको क्लियर दिखाई नहीं देता है, एंड दिस इज द मायोपिया। तो आप इसको रिमूव कैसे करें? तो देखो सीधी सी बात स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये तो कॉन्वेक्स लेंस के तरीके से है, आई लेंस है, ये कन्वर्ट करता है। अब इसको, इसकी इमेज को यहां पहुंचाना है, तो यानी इसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। डाइवर्ट कैसे होगी भाई, लेंस तो वही है, ये डाइवर्ज कैसे होगी? तो कहते हैं इसके लिए हम डाइवर्जिंग लेंस यूज करें, यानी कॉनकेव लेंस यूज करें। तो देखिए थर्ड डायग्राम मैंने यहां बनाया है, यहां पर एक कॉनकेव लेंस यूज किया है, तो क्या हुआ, जो लाइट पैरेलल आ रही थी इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर दे रहा है। जो लाइट पैरेलल, जो यहां लाइट पैरेलल आ रही थी आई लेंस पे पड़ती थी, सीधे कन्वर्ज हो जाती थी और पहले इमिट कर जाती थी, लेकिन अब हमने क्या किया, यहां पर लेंस रख दिया, लेंस रखने से क्या हुआ कि लाइट रे हमारी डाइवर्ज हो गई, थोड़ी सी डाइवर्ज हुई और अब आकर के इस लेंस पर पड़ती है, आई लेंस पे जो कि कॉन्वेक्स है, इसके बाद ये इसको कन्वर्ज करता है, तो कन्वर्ज करता है तो डाइवर्जन होने की वजह से ये यहां पर मिलता है। देखिए यहां दिखाई दे रहा, ये इमेज है, ये इमेज है, ये भी इमेज है, ठीक है, लेकिन ये डिफेक्टिव आई है, कौन सी, मायोपिया। ये कहते हैं कि मायोपिक आई में फॉर पॉइंट लिटिल लेस देन इन्फिनिटी होगा,
यानी ये फार पॉइंट हो गया, दिस इज योर फार पॉइंट। क्या है? फार पॉइंट। और फार पॉइंट जब पहले ही शिफ्ट कर गया तो फिर इमेज यहां बनने के लिए आपने यहां पर एक कॉनकेव लेंस को यूज किया। और कॉनकेव लेंस यूज करने से क्या होता है, जो भाई ये डाइवर्ज हो गई लेकिन बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो आकर के फार पॉइंट पर ही मिलेगा, और जो कि यही पॉइंट है। ठीक, बात समझ में आ गई? तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मायोपिया क्या है, कैसे रिमूव करेंगे। ठीक, अब आप देखो यार, मायोपिया में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो फार पॉइंट जो कि इन्फिनिटी होता है ऑब्जेक्ट, इसलिए अब मुझे इस लेंस की पावर निकालनी है। अगर मायोपिक आई की पावर निकालनी है तो हम क्या करें? देखो, मायोपिक आई की पावर निकालने के लिए आपको मालूम है पी इज इक्वल टू 1/f। भाई आप लोग देखो चश्मा लगाते हो ना, पावर कितनी, 1.5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, माइनस प्लस जो भी है डायोप्टर, दैट इज द पावर ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ से रिलेटेड है, कैसे? पी इज इक्वल टू 1/f, ये आपको मालूम है, या 100/f। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, हम पहले f निकाल लें, तो हमको f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u मालूम है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, राइट? तो देखिए, अब ये इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर पर नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के लिए अगर इसकी हमको निकालनी है तो इसमें u क्या कर देंगे, इन्फिनिटी, फार पॉइंट। ठीक है, यू इन्फिनिटी रख देंगे, राइट? ये समझ में आया? एक काम करिए, पहले आप ये डायग्राम बना लिए और पूरा लिख लिए, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, बन गया। अब मैं फिर वापस आ रहा हूं, पी इज इक्वल टू 1/f से हम इसकी पावर निकालेंगे, और 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फॉर्मूला होता है, पहले बता चुका हूं। अब u और v की वैल्यू क्या रखेंगे, तो मैंने कहा u क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट फॉर डिस्टेंस। और बचा v, तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगी फॉर पॉइंट की डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, मायोपिक आई की फोकल, सॉरी पावर, लेंस जो लगाएंगे करेक्शन के लिए, कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस, और इस लेंस को लगाने के लिए इसकी पावर चाहिए होगी, तो पावर आइडेंटिफाई करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, पी इज गुड 1/f और 1/f इज गुड 1/v माइनस 1/u, और इस कंडीशन में u हमेशा इन्फिनिटी पुट करेंगे, और v क्या हो जाएगा, v विल बी डिस्टेंस ऑफ फॉर पॉइंट, फॉर पॉइंट की डिस्टेंस v कहलाएगी, और ये हर किसी पर्सन के लिए अलग अलग होगी। बस इसको हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये इन्फिनिटी हो गया ना, और भी हमारा क्या आ जाएगा, फोर पॉइंट लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू रख के आप इसमें सॉल्व करिएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये इसको भी मेंशन नोट कर लीजिए कि पावर कैसे निकालेंगे, मायोपिक आई में यू इन्फिनिटी एंड बी द डिस्टेंस ऑफ फोर पॉइंट, और ये दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम आपको नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पिछले केस में मैंने आपको मायोपिया के बारे में डिस्कशन किया था, नाउ दिस इज हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट अपोजिट। मायोपिया में क्या था, वी वर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड फॉर फ्रॉम आवर आई, ठीक है, यू इंफिनिटी, और वी क्या था, वॉज द डिस्टेंस ऑफ फोर पॉइंट, और जो कि सबके लिए अलग अलग था। अब क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, मतलब पिछले केस में हम पढ़ ले रहे थे, बुक्स रीड कर ले रहे थे, लेकिन दूर किसी नहीं देख पा रहे थे, बट हाइपोमेट्रोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ द आई इन विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस नियर बाय टू आवर आई, हमारी आंखों के पास में जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब रीडिंग नहीं कर पाएंगे, बुक रीडिंग नहीं कर पाएंगे, बट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट प्लेस फॉर फ्रॉम आवर आई, दूर के ऑब्जेक्ट को हम एकदम क्लियर देख लेते हैं, लेकिन पास वाले ऑब्जेक्ट को हम स्पष्ट यानी क्लियर नहीं देख पाते, यानी रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो जिन स्टूडेंट्स को रीडिंग की प्रॉब्लम है, स्पेक्टिकल्स लगा रहे हैं, चश्मा लगा रहे हैं, इसका मतलब देयर आई इज हैविंग द डिफेक्ट ऑफ हाइपर
मैट्रोपिया, राइट? कोई डाउट? अब मैं इसको बताने जा रहा हूं। पास का पिछले वाले में दूर का था तो लाइट इनफाइनाइट से पहले ला रही थी, लेकिन हाइपोमेट्रोपिया में हम पास की ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते हैं, यानी नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट होना क्या चाहिए, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगी और यहां फोकस होनी चाहिए, जैसा कि आपने पिछले केस में देखा था जब हम आइस के बारे में बता रहे थे, पावर ऑफ एकोमोडेशन यहां इमेज बनती थी। लेकिन अब क्या हो रहा, नाउ दिस आई इज डिफेक्टिव, इसमें प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इमेज जा करके पीछे बन रही है, बैक साइड में, यानी इंस्टेड ऑफ इमेज फॉर्मिंग एट द रेटिना इट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर आई। तो अब क्या है, इसका मतलब नियर पॉइंट यहां नहीं हो गया, हमको इसको और पीछे खींचना है, यहां लाना है, तो नियर पॉइंट थोड़ा शिफ्ट होगा, यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के ज्यादा होता है, तो हमने नियर पॉइंट इसको ले लिया, जो डिफेक्टिव आई की बात कर रहा हूं, अब लाइट जाएगी और यहां पर ये फोकस हो जाएगी, यानी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। अब देखो यार, ये इमेज दूर बन रही है, इसका मतलब ये अगर थोड़ी सी कन्वर्ज और हो जाए, आईएस क्या करता है, लाइट देखो कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस की तरीके से बिहेव करता है, कन्वर्ज होकर यहां इमेज देगा ना, तो ये और थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए, ये लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है, और थोड़ी सी और अगर कन्वर्ज हो जाए तो हमको इमेज रेटिना पर मिलेगी, और उसके लिए क्या किया जाए, कन्वर्जिंग पावर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की होती है तो हम आई के सामने कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, यानी हाउ टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, दैट इज द फोकल लेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, क्योंकि कन्वर्ज करते तो यहां जाती, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग पावर है, तो हमने कॉन्वेक्स लेंस रखा, लाइट आ रही है, थोड़ा सा बेंड कर गई, और बेंड करने के बाद इस लेंस से निकल करके यहां पर फिर वो फाइनली रेटिना पर इमेज बना रही है। तो अब देखिए, इस केस में ये फॉर्मेशन समझ में आ गया, इमेज फॉर्मेशन, राइट? अब जो इस केस में बात आती है कि पावर, तो पी इज इक्वल टू 1/f आपको मालूम ही है, एंड 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब u कहां था, 25, तो इस केस में क्या होगा, u विल बी 25 सेंटीमीटर, और v क्या होगा, v इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, v इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां फोकल लेंथ आ जाएगी, p इज इक्वल टू 1/f कर देंगे, डायरेक्टर में आपको पावर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, चाहे मायोपिया हो चाहे हाइपरमेट्रोपिया हो, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इधर ही थे, यानी यू वी दोनों निगेटिव लिए गए थे, यू वी यहां पर भी निगेटिव लिए जाएंगे, और इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द पावर ऑफ आई हैविंग द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं, तो मैं एक बार फिर से कंबाइन करके बताता हूं कि हाइपर मायोपिया में हम दूर की ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, पास की ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये डिफेक्ट है, और इसको रिमूव करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, जैसा पिछले केस में बताया था। इसके बाद ये क्या है, दिस इज योर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पास की ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, और इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, जैसा यहां बताया गया, और कारण भी बता दिया है, क्योंकि उसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना था, भाई पहले मिल जा रही थी तो लाइट को डाइवर्ज करना था, तो यहां पर कॉनकेव लेंस दिया था मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर मिली तो इसको और कन्वर्ज करना है, यानी कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, और पावर कैसे निकालेंगे वो मैंने बता दिया, क्या वैल्यू पुट करनी है। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसके बाद हम एक और डिफेक्ट बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको थर्ड डिफेक्ट बता रहा हूं, प्रेस मायोपिया। देखिए, मैंने जब आई के बारे में डिस्कशन किया था तो सिलेरी मसल्स बताया था, ये वीक हो जाती है ना, तो सिलेरी मसल्स जब वीक हो जाती हैं तो आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, सॉलिड, और ऐसी कंडीशन में जब इनफ्लेक्स, भाई आई लेंस फ्लेक्सिबल होता है तभी तो एकोमोडेट करता है पावर को, लेकिन जब सिलेरी मसल्स ओल्ड एज में वीक हो जाती हैं तो लेंस हमारा इनफ्लेक्सिबल, आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, या कहिए सॉलिड हो जाता है, जिसकी वजह से
पावर ऑफ एकोमोडेशन उसकी खत्म हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस नियर बाय, पास में रखे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। ये ओल्ड एज का डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया के तरीके से, जिसमें पास की नहीं देख सकते थे, लेकिन हाइपोमेट्रोपिया अलग चीज है। ये सिलेरी मसल्स के वीक हो जाने की वजह से है और जिससे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि आई लेंस इनफ्लेक्सिबल यानी सॉलिड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम कैसे रिमूव करेंगे डिफेक्ट? इस कंडीशन में डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग फिर वही कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं, राइट? बात समझ में आ गई? तो प्रेस बायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ आई फॉर ओल्ड एज पर्सन हुज लेयरी मसल्स आर वीक ड्यू टू विच पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई नॉट बिकम्स परफेक्ट। ठीक है, लॉस हो जाता है, एकोमोडेशन पावर लॉस हो जाती है और इस वजह से इमेज का फॉर्मेशन का वेरिएशन नहीं हो पाता। ठीक है, और हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, राइट? अब ठीक है, ये समझ में आ गया, राइट? तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक डिफेक्ट और है, कॉन्टेरैक्ट्स, आई लेंस जो है क्लाउडी हो जाता है, आई लेंस क्लाउडी हो जाता है, तो उससे ऑब्जेक्ट की इमेज कलर्ड नहीं, ब्लर्ड दिखाई देने देती, क्लियर नहीं दिखाई देती है, तो फिर वही कॉन्टेरैक्ट्स कहलाते हैं। अब उसको इंजेक्ट करके निकाला जाता है क्लाउडी जो भी उसके अंदर होता है और फिर आदमी देखना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कभी कभी आपने देखा होगा एक कोई पर्सन है वो लेंस चश्मे लगाता ना, दो होते हैं नीचे ऊपर दोनों, यानी कॉन्वेक्स, उसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को रिमूव करने के लिए डबल लेंस लगाया जाता है। ठीक है, रीडिंग वाला और दूर देखने वाला, यानी रीडिंग वाला कौन सा? पास वाला कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों मिक्स होते हैं। तो ये तो हो गया डिफेक्ट, लेकिन आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और हम लोगों को चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिए जाते हैं, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ के कॉन्टैक्ट लेंस फिक्स कर दिए जाते हैं और आदमी बिल्कुल क्लियर देखता है। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक, नोट्स बना लीजिएगा, और बनाने से अच्छा है आप इसको नोट्स बनाइएगा, इसको आप समझ लीजिएगा, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।